फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स देने वाला हूँ ऑनलाइन शॉपिंग के रिलेटेड। अगर आप कोई भी चीज यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या फिर बहुत ज्यादा प्रेफर करते हो ऑनलाइन परचेज करना, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल पर जरूर देखिए, उसे जल्दी से कर लेना और चलिए फिर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो और बात करते हैं अपने सबसे पहले टिप के बारे में, जो कि हमारा प्राइस। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक चीज आपने यहाँ पर जरूर से नोटिस की होगी कि अगर आप कोई भी चीज यहाँ पर फ्लिपकार्ट से परचेज करते हो, मान लो मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ स्क्रीन गार्ड्स हो गए या फिर बैक कवर्स हो गए फोन्स के, तो अगर आप ये चीज फ्लिपकार्ट पे यहाँ पर सर्च करोगे तो उसकी जो प्राइस है, अगर आप उसे अमेजोन से यहाँ पर कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पर थोड़े से सस्ते देखने को मिल जाएंगे या फिर थोड़े से महंगे देखने को मिल जाएंगे। ये चीज वेरी करता है। अगर आप सब साइड पे यहाँ पर कंपेयर करोगे सबकी प्राइसिंग, तो आपको थोड़ा ऊपर नीचे जरूर देखने को मिल जाएगा। हर साइड पे एक जैसा प्राइसिंग नहीं रहता है। तो अगर आप कोई भी चीज यहाँ पर परचेज करने का सोच रहे हो ऑनलाइन से, तो उस चीज का जो प्राइस है वो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर रिसर्च करो, ऑफलाइन में देख लो, ऑनलाइन में देख लो, हर साइट पे यहाँ पर रिसर्च कर लो, उसके बाद ही आप ऑनलाइन में यहाँ पर ऑर्डर देना। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वो चीज यहाँ पर मंगा लो उस प्राइस पे और फिर आपको पता चले यार ये तो मुझे और सस्ते में मिल जाता है उस साइट पे या फिर ऑफलाइन में, तो ऐसा ना हो आप लोगों के साथ। इसलिए आप अच्छे तरीके से यहाँ पर रिसर्च करो, जल्दबाजी ना करो, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर प्राइस पे ही डिपेंड करता है। आप यहाँ पर पे कर रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर वैल्यू मिलना चाहिए अपने प्रोडक्ट का। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से हर जगह पे यहाँ पर रिसर्च कर लो, उसके बाद ही आप कोई भी चीज यहाँ पर ऑनलाइन में यहाँ पर ऑर्डर करो। करते हैं अपने दूसरे टिप के बारे में, जो कि हमारा रेटिंग्स एंड रिव्यूज। तो यार आपको एक चीज तो पता ही होगा कि अगर आप कोई भी यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, फिर उसके बाद आपको एक रेटिंग का ऑप्शन होता है और उस प्रोडक्ट को आप यहाँ पर रेट कर सकते हो साइट पर जाके 1 से 5 तक कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट। तो इस चीज का भी आपको यहाँ पर जरूर से यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी चीज यहाँ पर ऑनलाइन परचेज करते हो तो उसका जो रेटिंग्स एंड रिव्यू है उसे आप जरूर से अच्छे से यहाँ पर पढ़ लो। आप वहां पर देख लो कि कौन कैसे रेटिंग्स आए हैं, दूसरे कस्टमर ने जो इन प्रोडक्ट यहाँ पर परचेज किया उनका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा है उस प्रोडक्ट को लेकर। 5 का रेटिंग्स आप देखो, 4 रेटिंग्स देखो, 3 रेटिंग्स देखो, सब कुछ आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ लो, रेटिंग्स वगैरह पढ़ लो, अच्छे से रिसर्च करो, उसके बाद ही कोई चीज यहाँ पर ऑर्डर करो। क्योंकि बहुत जो कस्टमर्स है वो रेटिंग्स वगैरह में बता देते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस प्रोडक्ट के बारे में। तो रेटिंग्स और रिव्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो अगर आप कोई भी चीज यहाँ पर परचेज करने का सोच रहे हो तो रेटिंग और रिव्यूज पे आप जरूर से यहाँ पर फोकस करना, उसके बाद ही कोई चीज आप यहाँ पर ऑनलाइन में परचेज करना। आते हैं अपने तीसरे टिप के ऊपर, जो कि हमारा रिटर्न पॉलिसी। जी फ्रेंड्स, अब बहुत सारे कंज्यूमर्स ऑनलाइन परचेज करना तो जानते हैं, लेकिन उन्हें रिटर्न पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं होता कि रिटर्न पॉलिसी क्या होती है। और फिर वो प्रोडक्ट जब उनके घर पे आ जाता है जो उन्होंने मंगाया है, उसके बाद उन्हें जब यहाँ पर प्रॉब्लम होने लग जाती है तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, यार आप कहाँ से रिटर्न करें, कहाँ से रिफंड है। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप कोई भी चीज यहाँ पर ऑनलाइन में परचेज कर ले हो तो आप उस चीज का जो यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी अच्छे तरीके से करो। क्योंकि होता क्या कि बहुत सारे प्रोडक्ट पे यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट पे यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी नहीं होता है, नो रिप्लेसमेंट पॉलिसी हो जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट पे होता भी है, 7 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, वो वेरी करता है सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अच्छे तरीके से आप ये चीज यहाँ पर रिसर्च कर लो, उनके रिटर्न पॉलिसी को यहाँ पर पढ़ लो, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लो। क्योंकि फ्लिपकार्ट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देता है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप प्रोडक्ट को यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो, ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पर रिफंड मिल जाता है। तो सब कुछ आप डिटेल में पढ़ो, सब कुछ आप ब्रीफ में पढ़ो, उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को यहाँ पर ऑर्डर करो। क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर्स पढ़ते भी नहीं है और उसे यहाँ पर ऑर्डर कर लेते हैं और फिर बाद में उन्हें यहाँ पर परेशानी होने लग जाती है, फिर वो परेशान हो जाते हैं यार कहाँ से रिफंड ले, कहाँ से ये करे वो करे। तो ये चीज आप बिल्कुल भी अवॉइड करो, अच्छे से रिटर्न पॉलिसी पढ़ो, उसके बाद ही कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर ऑनलाइन में ऑर्डर करो। फ्रेंड्स, आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टिप के ऊपर, लास्ट टिप, जो कि है हमारा डिलीवरीज। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ये डिलीवरीज क्या, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि मान लो आपने कोई यहाँ पर ऑनलाइन में शॉपिंग कर लिया और वो जो प्रोडक्ट का यहाँ पर आपके घर में डिलीवरी होता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो पैकेट में आता है वो प्रोडक्ट, वो एक आपने पैकेट देखा होगा फ्लिपकार्ट का जो येलो पैकेट होता है, अमेजोन का जो व्हाइट पैकेट होता है, तो उस पैकेट पे यहाँ पर जो कंज्यूमर्स है वो बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं, वो डायरेक्टली अपने पैकेट को यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं। तो इस चीज का आपको यहाँ पर टोटली इस चीज को यहाँ पर अवॉइड करना है। अगर ये प्रोडक्ट आपको कोई पैकेट में आता है तो वो प्रोडक्ट को आप अच्छे से यहाँ पर चेक करो, वो पैकेट को अच्छे से आप यहाँ पर चेक करो, कहीं वो पैकेट कहीं से फटा हुआ तो नहीं है, कहीं से उखड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं से टेप वगैरह तो नहीं निकला हुआ है। अच्छे तरीके से उस पैकेट को आप यहाँ पर चेक करो, उसके बाद ही आप यहाँ पर रिसीव करो। क्योंकि पैकेट में गड़बड़ी होने से आपका जो प्रोडक्ट है उसमें भी यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। और अगर आपने यहाँ पर अमेजोन का यहाँ पर पैकेट पे ध्यान दिया होगा तो अमेजोन ने यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि डू नॉट एक्सेप्ट इस पैकेट इज स्टैम्पड।
तो यार जब वो ही लोग मना कर रहे हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट ही वाले कि अगर पैकेट में कोई प्रॉब्लम है आप इसे रिसीव नहीं करो तो आपको रिसीव करने की क्या जरूरत है, तो आपको रिसीव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप पैकेट में कुछ भी खराबी है तो आप डायरेक्टली उसे रिटर्न कर दो, आप वापस कर दो उन्हें पैकेट को, आपको रिटर्न करने आपको लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप उसे फिर भी यहाँ पर रिसीव कर लोगे तो हो सकता है आपके साथ यहाँ पर कुछ गलत हो जाए और उसके बाद फ्लिपकार्ट और अमेजोन कोई भी यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं लेने वाला है और आपके साथ आपका जो पैसा यहाँ पर बिल्कुल भी डूब जाएगा। तो इस चीज का आप यहाँ पर जरूर से ध्यान रखो, अगर पैकेट में कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ी है तो आप डायरेक्टली उसे रिटर्न कर दो, रिसीव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यार बस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के लिए अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हो और यार पसंद आया और यहाँ तक देख लियो यार जरूर से पसंद ही आया होगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, ग्रेट।